बिरहे काया शीर्षक है या सियाना उजड़ गया। अपने माटी के गीत बा, देहाती गीत बा, किसान के गीत बा। कैसे मास्टर साहब भूमिका में चार लाइन कहना बा। सरिता शिरोमणि पयंबुज से पावस भर भर सुराही पयो निधि पिलाए ऋतुराज रासर मणि नील झरना वीणम पमीणा की जय जय सुनाए रमते भ्रमर कुंज लूटत कमल पुंज सावन की हरियाली वसुधा पे छाए खिल के कमल कुर रही कर दमों में बिखरे सुमन आज मालीन आए बाबूजी छायावादी शब्द है साहित्यिक शब्द है शब्द के आड़ में शब्द छिपा है कव्वाली का नमूना में कैसे मास्टर अरे चोट पत्थर की लगी किसी शायर ने कहा अरे चोट पत्थर की लगी सुन ले सनम चोट पत्थर की लगी सुन ले सनम प्यार की चादर पुरानी हो गई में कवि जी ने बड़े सुंदर भाव के लिखा हो प्रेम का बंधन गजब पे जोड़ है प्रेम का बंधन गजब पे जोड़ है प्रेम ही एक सार है संसार का में नजन का लाइन बा अब एक बार टर्न भाई है राजा वाले एक पॉइंट तो नहीं बढ़ाए थे भाई सीटी ने दे थोड़ा एक पॉइंट बढ़ाए थे बस सर में नजम की लाइन कैसे मास्टर दुनिया में कोई दूजा है प्रेम से बढ़ के न दुनिया में कोई दूजा है प्रेम का पाठ ही
सयानी थी, रहा किसान एक नार घर सयानी थी, दोनों के बीच में बलखा रही जवानी थी। खुशी में बेटे की शादी मार चाई है, नवेली दुल्हन सच के ससुरे में आई है। आप सब कहानी पे गौर करें, देहाती गीत बा, देहाती एक किसान के गीत बा। यह कहानी एक किसान की है। मान लीजिए आप ही के गांव में कोई किसान अपनी दिनचर्या चला रहा है, कुछ समय बीता, एक पुत्र की प्राप्ति हुई, अपनी खेती गृहस्थी चल रही है। एक दिन अपनी औरत से कहता है, मैं खेत में हल बैल लेके चल रहा हूँ, हमारा भोजन पानी लेके खेत में आना, आने से पहले इस हमारे बच्चे को दूध पिला करके माता को बता करके तब आना। सारी बात बता के किसान हल बैल लेता है, किसान खेत की तरफ चल देता है। मास्टर साहब गीत लग गई। कौनो दुलही अपने पिया से कहत बा, कैसे कहत बा, हसी हसी गोरी कहे मानस बबिया, हसी हसी गोरी कहे मानस बबिया, भारी नात हलू के गढ़ा दाती न पतिया, हाथी हाथी गोरी कहे मानसैया पतिया, भारी नात हलू के गढ़ा दाती न पतिया, हाथी हाथी गोरी कहे। यह तो सच का तराना रहा बाबूजी। इसी भाव में किसान अपनी घरे तीन दुल्हन से कहता है, क्या कहता है, काली दुलहिनिया से बोला नौजवानवा, काली दुलहिनिया से बोला नौजवानवा, खेतवा में आईहा गोरी लाई के भोजनावा, तेलवा कजरवा कई के लाल के सुताए दा, सुत
औरत से सारी बात बता के हल बैल लेता है, जाता है खेत की हलवाई करने लगता है। वह किसान की औरत सोचने लगी क्या भोजन बनाऊं कि हमारे पतिदेव भोजन को देख करके खुश हो जाएं। कैसे मास्टर साहब गीत लग गई, देवर भौजाई के बात बा, जौने पे यहाँ पर लगा लू है सही बात। मैं प्यार करूं भरता, देखा आप अपने ऊपर जिन घटाऊ कि देखा समाज ने हमका इसे कहा थे। आप लोग झगड़ा जिन लगावा, आप लोग ही अच्छा खासा समझा थी बुझा थी, झगड़ा लगाई दे थी। और आगे का कहा कैसे बा, अपनी फरमाइश बता रहा है। वो हमें दो ही रह जड़े रहे, वो हमें दो सीने से खड़े रहे, दोनों सीने से खड़े रहे, दोनों सीने से खड़े रहे। सजिया पे हो तदिता सिलवाए दर चोली रे समकी, अरे यार महेश देखे छोटा सा का ये भाई जय विजय वाह वाह, ये हमारे हारमोनियम मास्टर पप्पू के चेला हैं दोनों, दिनेश महेश दोनों के बेटा हैं। वाह 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 वाह, महेश बहुत छोट लड़का रहा हमारे यहाँ जब जाए, बहुत छोट लड़का रहा, जैसे तो आर हवन हवन सरचे बड़ा रहा है। माँ की ऐसी कृपा है जिसके ऊपर आपकी दया दृष्टि हो जाए वह महान बन जाता है। हमारा एक भांजा है सूरज यादव ही घाटमपुर के है, हमारे आगे पैदा भाव, हमारे आगे इतना बड़ा कलाकार निकल के बाद क्या बताइए, ऑलराउंडर कलाकार, गुरुजी सरस्वती की माया है, ढोलक हारमोनिया आर्गन पैड विजय लाल के ओरिजिनल गीत गाता है। डायरेक्ट जब कहो मुलाकात करे खो तो उन्होंने अपने मोबाइल से बात करा थी, पहुंचू जाती गीत पे आप लोग ध्यान दे कैसे। तो किसान की औरत क्या करती है, अब बारी दुलहिन दुलना दुलना रच रच के भोजनवा बनावे लगी, भोजनवा में का बनावत हो, पूरी तरकारी मेरे बच्चे को मेरी माँ को बता करके तब आना, तब मास्टर साहब का भी गीत लग गई। ओ, बड़ी पुरानी गीत बा, दा
दादा हरंग जबाले गीत बा कि मोरे पीछा वारावा पीछा वारावा एक छिछली गलहिया राजा वारे महाराजा वारे भूलावा खिले काचाना महाराजा वारे एक लाइन अपने बहनोई बिना गाई दे हम अरे फूला वालो राना गईली अरे हमरा बहनोई का बहनिया महाराजा वारे महाराजा वारे फूलावा गरा भरा ही जाई महाराजा वारे मनोरंजन के लिए आप सबके गाय दी है गीत में आप लोग ध्यान दा वह किसान की औरत अपनी अब सास के पास जाती है कहती है कैसे मास्टर कि बारी दूल्हनिया कि बारी दूल्हनिया हर करली पुकार हमरी आई आओ हमारी आई आओ देखत रही हूँ लाला नामा हमारी आई आओ सुतले से जागी जाब बच्चा अगर उठी रोई हमें के का करब कहे अम्मा घबराना हम एक प्रबंध व्यवस्था कह के जावे अपने स्तन से बाबूजी एक कटोरी लेती अपने स्तन से थोड़ा दूध निकालती है निकाल करके रोटी से ढक देती है सिकहर के ऊपर रख देती है कहे अम्मा ये हमारे बचवा अगर सोए से उठी तिकरे मोहना में दूध आप डालत रहो तब तक हम खेत से वापस आई जाब सुतले से जागी जाब हमारी आई आओ मुहावा में दूध दी हलूटार हमारी आई आओ बाबूजी सारी बात बता करके अपनी सास वह जमाने में अपने सास के अय्या कहे बाबूजी आज के दौर में परिवर्तन हुआ अम्मा कहे लगी वह किसान की औरत सारी बात बता करके अपनी सास को बता करके खाना ले करके चलने की तैयारी करती है तब क्या हुआ मास्टर साहब गीत लग गई धोती पहने नहीं और बताया होता पहनाए दे सरो हमका कुछ दिन देता वैसे पहनाए दे हमका सरो कहे जीजा धोती पहन के आया न जान लिया फिर हमका हलकावा जी ने यार धोती पहने भाई आवत है
देखा बिना धोती पहने आए लपेट के लूंगी कि नहीं, गुस्साया जिन भाई नीवी परम सदया बड़े बाबू। अच्छा नीवी की सरजमी से परम सदया श्री दीनानाथ यादव विजय सिंह के मामा है, नमरू मामा है। 51 रुपये का पुरस्कार, पुरस्कार नहीं आशीर्वाद है, 5 होकर पहले की आशीर्वाद कामना, साथ में सब भाइन के ईश्वर में प्रणाम आशीर्वाद कामना। गीत में आप लोग ध्यान देना, बिहार में जाना आई तब काम मास्टर कौनऊ देवर भौजाई के गीत बा। जब वो भौजाई होकर आई बहुत दुबली सी रही, जब कुछ समय बिता थोड़ा सा जाड़ी बनी गई, मोटी बनी गई, तो अपने भौजी से मजाक करत तो कैसे आप लोग ये समझा के प्रियंका कहते हैं। कैसे के भैलू रे भौजी, कैसे के भैलू रे भौजी, कैसे के घरवा में कौन आफत आएगी का, इतना सहेज के आए बतिये हमार बिसर गई, भूखे भजन होई गोपाला लैल आपन कंठी माला, बड़ी गुस्सा में हल बैल ढीलता है। ए भैया बोला जिन क्रोध में चल देता है, कहता है चलता हूं तो आज घर पर देखता हूं, तू ही पहला लगाऊ बुजुर्ग का समझ में आई जाए। गीत बदल के मास्टर से बहुत दिन के बाद जब घर पे आए, औरत बड़े प्रेम से खाजन भोजन परोस के बैठी, खाना के समय दोनों परानी में अनबन बनी, खनवई थरियाई फेंक देस, अकेले हो अकेले रह चले हैं। कैसे मास्टर चले किनारे
इंतजार करते करते उब जाता है, चल देता है घर की तरफ। बिलख सजानवा हो आवली जनानवा भोजानवा बिना हमारी दुल्हनिया। बहुत विलंब कैली हमारी दुल्हनिया, लेके हल पैल धर चलल सहेलिया। है तोर बाबू आए नहीं है का, तोरे दादाजी नहीं आए है का, चलो तोरे ड्यूटी लगाए दे। अच्छा अच्छा छूछ है बोली ऐसे हाँ छूछ पहले की जूझन। जंग बहादुर यादव आप सदरेपुर की पावन धरती से आए तो नहीं है लेकिन आपका नाम आया है। ए का बोल जाते यार उनका लड़का है ना, हाँ हाँ समझे थे यार उनका नमो बिसरी के महेंद्र रतन के जीजा हैं, इनका भांजा जो है। 51 रुपया पुरस्कार बाबूजी प्रणाम बा, आशीर्वाद कामना साथ में सब भैया के नमन बा। आप लोग बिरहा ध्यान दा, रतन भैया का आदेश बा बिरहा होते ही रहे। आप लोग भजन भोजन दोनों करा, भोजन करत रहा इधर से, आप कान अपन लगाए रहा ध्यान से सुनत रहा। जेकर विचार हो जाए भोजन करा, जेकर विचार हो बिरहा सुना। आपके आदेश बाद जितने बिरादरी भाई दूर दराज से आए हैं जाकर के भोजन करते रहे, रंगारंग कार्यक्रम चलता रहेगा। कैसे भैया बहुत विलंब कैली हमारी दुल्हनिया, लेके हल बैल घर चलल सैलनिया। देखती है क्या होता है, पहुंचल जना नवा तब खेतवा सिवा नवा भोजा नवा भी। मोड़ ले लेती है जब किसान की औरत खेत में जाती है, देखती है तो दोनों नरार, न हमारा आदमी न हमारे बैल, घबरा गई कहां गए बेचारे। औरत दूसरे रास्ते से, किसान दूसरे रास्ते से, दोनों प्राणी से मुलाकात नहीं होती है। किसान की औरत खेत में पहुंची, किसान जो है घर पर पहुंचा, हल बैल को ढीला देखता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, भूखा बंगाली भात भात। टेरी के भाव मास्टर कैसे खाना बिना फिर बोल देते। देखिए परम श्रद्धेय आप सतवन सिंह यादव
जो उनके चाचा के लड़के हैं, 101 रुपए का पुरस्कार नहीं आशीर्वाद है। भैया को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद कामना करते हैं। हाँ बताए ना 151। सब जनता जनार्दन के एक सौ में प्रणाम पहलगी बा। आप लोग बिरहा पे ध्यान दा, चौक में कहना में कैसे मास्टर। वह किसान देख रहा है कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, भूखा बंगाली भात भात वह शिकार रोटी दिखाई पड़ रही है, कैसे मास्टर। हाथ पाव धो कर के दूल्हा, बेचारा हक्का बक्का रही के कहे का मतलब, हम दूध रोटियां तो खाते ही ना, कहे का बात है, कहे तुहार दिमाग खराब बा, कई भैंस रखे है, कई गैया है, कहे सही बात है, एक को गाय न भैंस न बकरी ना है मेरे घरे, भूखा बंगाली भात भात समझा बेचारा नहीं आपने, मेरा धर्म नष्ट कर दिया। न तो आप मेरे लायक रह गई, मैं तो आप लायक रह गई। क्या कहे बाबूजी? हाँ क्या बोला था? अगर कोनो त्रुटि हो बताया। अच्छा ठीक, तो अब आप सब बोलबा, थोड़ा लोग ध्यान बटी जाए, बस हाथ जोड़ के विनती, बस 10-15 मिनट समय दे दे बस। बड़े अच्छे गायक कलाकार आप, स्वर्गीय रामदेव गुरु आप शिष्य हैं उनके, कमला शंकर हमारे भांजे हैं, देश विदेश आप सब तहलका मचाया, बिरहा के आप बहुत अच्छे कलाकार थे, अब यहाँ कहाँ होत बा, महाराष्ट्र में आप रहते हैं, वहीं गाते बजाते हैं, होली जरूर मनावे आवे थे। 100 रुपया हमारे लिए, 50-50 का 51-51 रुपया हम अपने तरफ से बढ़ाए देते, जो हमारे जो इंजन है ढोलक हारमोनियम वादक। अरे भाई अब डब्बा पर आए ख्याल के हैं, चला ठीक बात है, पूरे पार्टी को दे दे हैं, बहुत बहुत आभारी आपके हैं, माई भगवती आपके कल्याण करे, सबके प्रणाम आशीर्वाद कामना बा। तब बेचारा वह किसान बहुत समझा रहा है, बहुत कह रहा है कि देखा ये दुई प्राणी के बात बात ईश्वर क्यों न जाने, अगर क्यों जान जाए तो समाज में कैसे मुंह दिखाओ। लेकिन बाबूजी औरत की ऐसी मनचल जात होती है, अजमावे के आप अजमाई सकत ही। एक बुढ़ऊ दादा अपने बचवास कहे बेटवा देखा तीन बात ख्याल की है, कौन कौन? अपने दिल के बात अपने औरत से जिन बताया, पुलिस से दोस्ती मत की है, तीसरी बात सामने दरवाजे के अपने बैर के पेड़ जिन्हें लगाए। दादा कह के चला गए, कभी अमल लाए कहे, जब चला गए तो कहे यार बाबू कह रहे पे रिसर्च करी प्रैक्टिस करी देखी एक रिजल्ट का निकलत है। गैन चौराहे पे उतराओ के पुलिस से खूब दोस्ती की है, खूब अच्छी खासी दोस्ती भाई। औरस कहन कौन बात बताई, कहन
मलहिया जो दलनिया बा में एक मने एक मूड़ काटे है देखे बताया जिनके हूँ से बैर खी लगाए रहन बड़वार होगी रही कहे देखी तीनों का रिजल्ट कहा निकलत है मेहरारू की ऐसी जात मनचल होती है भाव में बता देती है कहन बहनी का बताई हमारे बड़ा गड़बड़ कहते हैं कहन का भ कहे अगर बतावा केहो जिन से बताई कहन तुहार कसम न बताऊ कहन हमारे पता नहीं केकर मूड़ी हुई मलहिया में दलनिया में गाले हैं आदमी के अब वो आदमी अपने औरत से बताए उस औरत अपने सखी से बताए सखी अपने फिर आदमी से बताए धीरे धीरे बात वो फैले लगी पूरे गांव में फैल गई पौड़न में यार फलाने अपने मलहिया में की दलनिया में मलई गाले हैं क्यों हमदर्द के मारा पुलिसों को बताई दे कहें सारे पकड़ावा जाए एडजस्ट हो बड़ा पुलिस दोस्ती के बा वही सिपाही आता है जिसको डेली चाय नाश्ता कराते थे भागने की कोशिश करते हैं वही बैर के पेड़ जो है पगड़ी बांधे रहे मुड़िए पीछे खींच लिए खबरदार से आगे भले साले गोली मार दूंगा कहे सरकार यही हो रोज चाय नाश्ता करावत रहे कहे साले पुलिस अपने बाप की नहीं होती है गीत आप लोग ध्यान दो किसान बहुत समझाए लेकिन औरत मानी नहीं बिरह गीत में कैसे कहना बा बड़ी पुरान गीत बा माई बहने की गीत बा कौनो बिरहिन अपने बिरह के बात बतावत तो कैसे अरे आजू ये एकादशिया अरे बिहाना दुआ दशिया तेरा सियाई पेना तेरा सियाई पेना रह गई ना तो आप मेले लायक रह गए मैं अपने स्तन से दूध अपने बच्चे के लिए निकाल कर गई थी वह किसान हक्का बक्का रह गया बेचारा पी है लाला नवा अरे हम कर लिया सतनवा सुना है साजना माती मारल दूसा मनवा सुना है साजना माटी मारल दूसा कहने लगी पति भावुक होकर के भी रोने लगता कहे देखा दुई परानी के बात थी सर क्यों न जाने अगर लोग जान जाए दुनिया में कैसे मुंह दिखाऊं कहने लगी आज से आप न तो मेरे लायक रह गए न आपके लायक रह गई आज से हमारा आपका धर्म बदल गया आज से हमारा आपका रिश्ता बदल गया आप मेरे पुत्र हुए मैं आपकी माँ हुई बहुत किसान उन्होंने कर रहा है मही बात मान रही है बोला है साजनवा
लेकिन औरत कहाँ मानने वाली है। कुछ समय बीता, वह औरत अपने सखी से बता देती है, सखी अपने पड़ोसन से बता देती है, पड़ोसन अपने आदमी से बता देती है। आग की तरह सारी गांव में बात फैल गई कि नेहरू के पापा उनके अम्मी के दूध खाए ली है। तब का भमाचार गीत बदल गए। एक दिन की बात, वो किसान बेचारा घर से निकला जा रहा हूँ चौराहे पे, जैसे अगवा स्कूल के सामने दुकान है, तमाम गांव में लोग बैठे रहते हैं। पहुंचा बेचारा, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बात तुरंत ही कह देती, कहे का मर्दे मेहरिये के दूध खाई के रह गए। वह किसान बेचारा अस्तब्ध रह जाता है, नुआगे जाता है, पीछे जाता है। बड़ी उसके मन में गलान हुई बाबूजी कि आज दो प्राणी की बात आज चौराहे पहुंच गई। इतना मैं उसे निवेदन किया, इतना उन्होंने विनय किया, लेकिन बात मानी नहीं। गीत लग गई मास्टर कैसे। विरह गीत बा, कौनो विरहिन कहत कैसे। बिया परदेस गईले, बिया परदेस गईले तार लागो कोठिया में। निचोड़ पे पहुंच रहा है, कहानी मोड़ ले रही है। वह किसान दुकान से घर पर आया, औरत पूछने लगी क्या हुआ। कहे कुछ नहीं बहन, बड़े आप जल्दी आ गए, कहे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहे सबे जाते मान का हो गया। उसके मन में ऐसी वेदना सता रही है, कहता है प्रभु कितना जल्दी इस दुनिया से मैं चला जाऊं, मेरी मर्यादा बच जाए, कैसे समाज में मुंह दिखाऊंगा। चिंता उसे आकर्षित कर लेती है बाबूजी, चिंता जो है उसे चिता बना देती है। चिंता जिगर में समाई गई सजना के, तनावा में अगिया लगाई गई सजना के, जिसके हृदय में चिंता आकर्षित हो जाती है बाबूजी, वह चिंता में आदमी मुर्दा हो जाता है। वह आदमी बहुत कल्पा बहुत तड़पा कि मेरी औरत मेरी बात मानी नहीं। उसी वियोग में बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर वैद्य आ रहे हैं, लेकिन कोई उसके मर्ज को समझ नहीं पा रहा है। क्या इसको मर्ज है, अपने दिल की बात किसी से बता नहीं रहा है। भाई ले बीमार मारी गई ले सजनावा, मैं बहुत गलती कर गई, मेरे पति जी ने मुझसे कहा था, लेकिन मैं अपने बात पद की बचा नहीं पाई। आज यह दिन मुझे देखने को मिलता। भाई ले बीमार मारी गई ले सजनावा, अपनो बीमार हो गई जनावा। आप
श्री हीरा लाल यादव आप बाबा जी कुटिया की धरती से उतराओ की पांव समी से, बहुत से माया मिली पांव छूकर पलगी आशीर्वाद कामना बा कि हम बच्चे अपने कला में कामयाब रहे, साथ में सब जनता जनार्दन के प्रणाम बा। आप लोग उबा जी ने बस 5 मिनट समय और ले, बिरहा थोड़ा से मार बड़ा होगी, आप सबसे क्षमा के प्रार्थी है, गीत आप एकदम निचोड़ पे बांटे। तब मास्टर कहा भा वही औरत पश्चाताप करने लगी, कहे अगर हम अपने पति की बात मानी होती तो आज मेरे यहाँ सामने नौबत नहीं आती, दोनों प्राणी दुनिया से चला गए। बाबा हंसा जी ने बस 5 मिनट और समय था, 5 मिनट आलम कहना में कैसे आगे पढ़ावे रहे, चाहे 2 लाइन और बोलवे रहे लेकिन समय ज्यादा हो। कि जिस उपलक्ष में हम आप आए हैं, जिसके मौके पे अगर जो नहीं रहता है तो बहुत कष्ट होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर आज उनके पिताजी का अंत्येष्टि है, पिताजी की यादगार में बड़ा कष्ट होता है। माता पिता से इस बढ़ रहे दुनिया में कोई बात नहीं बाबू जी, पहले गुरु हमारे आपके माता पिता है, उसके बाद विद्यालय के गुरु है, दो ही गुरु होते हैं, एक शिक्षा वाला एक दीक्षा वाला, दो से दुनिया बनी, आप सब महान हैं। कैसे मास्टर किचिता से भी तेज हो ले, चिता से भी तेज हो ले, चिंता की अग्निया दादा, देती है परिवार में मातम छा गया, कोई परवरिश करने वाला नहीं, चिंता में मरी गई ले दुई नौ परनिया, आप गुरु के समान आप हैं, आप बहुत धर्मी हैं, नमः बुद्धाय, पांच छू गए पहल की आशीर्वाद की कामना बा। आप राजा राम रेडियो घाटूपुर आरा कला इलाहाबाद प्रयागराज की धरती से आप महान हैं, गीत को समझते हुए 51 रुपये का पुरस्कार करते हैं, पुरस्कार नहीं आशीर्वाद है। पांच छू कर पहल की आप हमारे गुरु के साथ में आए, जहाँ भी हमारा कार्यक्रम होता है गुरु जी बताते हैं आप जरूर पहुँचते हैं, आप सबका बड़ा प्यार सम्मान मिलता है, सबके पांव छू कर पहल की आशीर्वाद कामना बा। भागी हूँ, जन्म की अभागी हूँ कि मेरे सामने मेरा पति चला गया, मेरी इकलौता पुत्र भी चला गया, मेरी बहू भी चली गई, या ददुमुहा बच्चा किसके सहारे जिन बिताएगा, मेरी कौन परवरिश करेगा। चिंता में एक दिन बुढ़िया मारी गई ली, नाथ भयल हाय भगवान, एक दिन चिंता में लाल चली बस
बाबूजी सारा परिवार वीरान हो जाता है। चाय व्यवस्था आप कर लेते बड़ी महान करते ना हल दूध में अगर कालीन चाय मिल जाए एनर्जी मिल जाए। विजय चलो मास्टर खड़ी में ददा पंधारी के भाव में ऐसे ऐसे माँ के सपूत हुए कि जब तक भी रहा जगत में हम आप गाओ काली चाय अगर हो कालीन चाय पिया दे ना ही दूध बते न गर्म पानी हमें लोग पियाई दे कैसे मास्टर अरे माया लो कबा में अरे माया सबके पीछे पड़ी माया लो कबा में माया सबके पीछे पड़ी भैले दूसरे जन्मवा में राजा भरतारी किसानवा रानी श्यामा देई भैली ओ न कर जनानावा रानी बन के आईली फिर से राजा बखारी भैला दूसरे जन्मवा में राजा भरत कहानी राजा भरथरी से ली गई। राजा भरथरी वही किसान सात बार जन्म हुआ सात बार मरण हुआ दोनों प्राणी से मुलाकात होती थी फिर दुनिया चले जाते थे ऐसे ऐसे सातवें जन्म में राजा भरथरी के नाम से जाने गए कैसे जोग रमाए कि यही तरह भयल बाटे सात गो जनमवा बारी बारी दूनौ जनक होला मिलानवा रानी बन के अइलिन फिर से राजा बखरी भैले दूसरे जनमवा में राजा भरथरी सातवां जन्म राजा भरथरी क्या होता है जब रानी श्याम देवी ब्याह कर लाए जब राजा भरथरी सुहागरात के दिन चारपाई पे जैसे पैर रखना चाहा चारपाई की पाटी टूट गई रानी हंसने लगी राजा को बड़ा क्रोध है आया इस शुभ घड़ी में चारपाई की पाटी टूट गई रानी हंसने लगी पूछा क्या बात है रानी ने कहा मुझे नहीं पता है कहे अगर जब तक यह बात नहीं बताओगी तब तक हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा मैं अन्न पानी नहीं करूंगा तुमसे बात तक नहीं करूंगा कहे रानी चाहे आप बात करा चाहे जिन हमका नहीं पता बा हमने बताओ कुछ समय बीता इनके साढ़ियों मान सिंह थे जो दिल्ली के राजा थे उनकी सढ़वाइन पिंगला वो भी सती थी एक पुत्र की प्राप्ति हुई बरही का आयोजन हुआ इन्हें निमंत्रण मिला कहन चला एक पंथ दुई काज होए सढ़वाइनी के बिटवा भवा बा हम शामिल हो जाब अपन हम बातों पूछ ले शेर बहादुर यादव आप सॉरी हमारे ससुर श्री राजनारायण यादव सिटकी चकुसुबंश की धरती से हमारे छोटे चाले हैं आप शेर बहादुर यादव 51 रुपये का पुरस्कार पा छूकर पहले की आशीर्वाद कामना बा माई भगवती दिन दूरा राज चौगुना करा सबके प्रणाम बा आप सब कहानी पे ध्यान दा राजा भरथरी यही बात अपने मन में विचार करके चल देते हैं
अपनी सेना सजा करके पिंगला के यहाँ वहां पर पहुंचते आओ भगत होती है। बार बार उनका बस यह मौका मिले, कितना जल्दी हम बात अपन पूछी, कुछ अच्छा नहीं लगत बा राजा के। तो रानी खबर पाई कि मेरे जीजा जी आए हैं, पानी नहीं पिए हैं, नाराज हैं। जाकर कहने लगी क्या बात है, कहन बतावा हम जब सुहाग रात मनावे गए चारपाई की पार्टी कैसे टूटी। कहन राजा अगर मैं बता दूंगी तो मैं तुरंत खत्म हो जाऊंगी। कहन मारा चह दिया हमका बतावा, कहन सुबह में बता दूंगी। बाबूजी सुबह भुरारी होती है, राजा को कहन हमका जल्दी बतावा, हम चली। जब उन्हें पता हुआ पूर्व जन्म में आप किसान थे, मेरी बहन ने दूध रखा था अपने स्तन से गार करके वही खा लिए, इसी से आपका संबंध पिता सॉरी पुत्र और माता में था, इसी से चारपाई पार्टी टूट गई, धर्म बच गया। उनके मन में ग्रान हुई कि मैं अब घर पे नहीं जोगी बन जाऊं, मैं अपना जीवन सफल कर लूं। राजा भरथरी घर पर आए, सवार होकर के दक्षिण दिशा पे चल देते हैं, एक हिरण का शिकार करते हैं। हिरण भागते भागते जाकर के गुरु गोरखनाथ कुटिया पे जाकर के गिर के मूर्छित हो जाता है। कहने लगे शिकार मेरा है, कहन शिकार मेरा है। दोनों वार्तालाप होने लगी, शिकार मेरा है, कहन अब मेरा है, तुम्हारे अधीन नहीं है, मेरे कुटिया में आया है। कहन बाबा जी दे दीजिए, कह मैं नहीं दूंगा, एक शर्त है तुम इसको जिंदा करो लेके जाओ। कहन आप जिंदा कर सकते हैं, कहन मैं जिंदा कर सकता हूं। बहुत प्रयास किया भरथरी, नहीं जिंदा हुआ, वही राजा सॉरी भरथरी गोरखनाथ ने अपने कमंडल से जल को छिड़का, हिरण का बच्चा उठकर खड़ा हो जाता है, जंगल की तरफ भाग जाता है। उनके मन में ऐसी ग्लान हुई कि माया मोह में फंस करके मैं अपना जीवन सफल करूं, जा करके गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु मान लेते हैं। वहीं से गुदरी रमा करके आते हैं, रानी श्यामदेई से भिक्षा लेते हैं, आप सब जानते हैं। गीत का आखिरी भाव कैसे मास्टर? पत्तु गुरु छह बर स्वामी धन आज हर्षाए, काशी कहे बुल्लू सुखनंदन भोला का प्यार तब पाए। अरे राम भवन कौने डर पे गिरी, अरे राम भवन कौने डर पे गिरी, इंद्रवीर इंद्रवीर राम सिंह के सारद करई मदद किया भवन।